दरअसल मामला भिंड गोपालपुरा हाईवे का है, जहां बारिश के कुछ दिनों के बाद खैरा गांव में बारिश के कारण रोड कई जगह कट गई है। वहीं महेदा गांव में गहरा खड्डा हो गया है। सिंध नदी के पुल पर लंबे समय से पुल पर रोड भी टूट गई है, जिसको लेकर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। संबंधित अधिकारियों के मामला संज्ञान में होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या संबंधित अधिकारी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? स्थानीय लोगों ने MPRDC कंपनी पर आरोप लगाए, कहा कि स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार फोन पर अवगत कराया गया, फिर भी MPRDC के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब यह मामला भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को बताया तो उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि बहुत जल्द रोड का कार्य कराया जाएगा। समस्या ये है कि बारिश की वजह से रोड पे 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जिनमें दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं और ये जो टोल प्लाजा है, जो रोड कर्मचारी हैं, रोड के जो संरक्षक है, वो अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, ना ही कोई इस पर सुनवाई हुई है। जब भी बारिश आती है तो हर बार ऐसा ही होता रहता है, गड्ढे 3-4 पॉइंट बने हुए हैं जिस पर गहरे गड्ढे हो जाते हैं, रोड काफ़ी कट जाती है, इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। क्या नाम है? खैरा गांव में 2 जगह रोड कट गई है, कभी भी हादसा हो सकता है। कल रात को लाइट के उजीते में एक बाइक गिर गई थी, उसको जख्मी हालत में भिंड भेजा गया। इस रोड पर कितना वाहन चल रहा है? बहुत वाहन चलता है रात को। वाहन तेज होने का कारण क्या है? इस रोड पर वाहन क्यों बढ़ा? वाहन वो अचंबल पुल बंद होने के कारण बढ़ा। क्या नाम है? शैलन सिंह। कौन सा गाँव? खैरा श्यामपुरा। क्या कहें सर, जैसे कि आपने मुझे वीडियो दिखाए हैं, उससे लग रहा है कि सड़क की हालत चिंताजनक है। MPRDC की ये सड़क है, MPRDC के जनरल मैनेजर से भी बात कर जो भी इसके निदान के उपाय वो सब किए जाएंगे। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।